हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ए ऑनलाइन क्लासेस। सो क्लास आज आपकी मैथ्स क्लास है और मैथ्स क्लास में आज आपकी जो यूनिट स्टार्ट होगी वो यूनिट सिक्स। यूनिट सिक्स का नाम है आपका सब्ट्रैक्शन। लास्ट क्लास में हमने एडिशन किया था। एडिशन मीन्स किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ में जोड़ना, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की मीनिंग होता है घटाओ। जिस तरीके से हमने लास्ट यूनिट में जोड़ा था, इसके अंदर हम जो सीखेंगे वो होता है घटाना, ठीक है। घटाना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास 20 रुपीज़ हैं, ठीक, और आपने 20 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ अपनी सिस्टर या अपने ब्रदर को दे दिए, तो जो आपके पास अब बचे हैं तो वो कैसे आपको अंदाज़ा होगा? तो आप क्या करेंगे, अपने टोटल रुपीज़ में से अपने सिस्टर को या अपने ब्रदर को दिए जाने वाले रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे। उसको बोलते हैं घटाना, ठीक है। जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आपके पास बचे हुए पैसों का होगा। तो ये यूनिट स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो ये है आपका यूनिट सिक्स, सब्ट्रैक्शन। ये इस क्लास देखिए, यहाँ पर इन्होंने हमें एग्जांपल भी दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है देयर आर 5 बर्ड्स, ठीक है। यहाँ है 5 परिंदे, दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5। इज देयर इज 5, देयर आर 5 बर्ड्स, 2 फ्लू अवे। अभी कह रहे हैं कि 5 बर्ड में से जो 2 बर्ड्स हैं वो उड़कर चले गए, ठीक है। 5 बर्ड्स से 2 उनमें से चले गए। अब 5 थे, 2 चले गए, तो अब जितने हमारे पास बचे हैं वो हम किससे पता लगाते हैं? सब्ट्रैक्ट करके, यानी घटाकर, ठीक है। तो अब जब ये 5 थे, 2 चले गए, तो उसके अंदर अब बचते हैं 1 2 3, तो हमारे पास बचे 3, 3 आर लेफ्ट, यानी 3 बचे। पहले 5 थे, 2 चले गए, अब बचे हैं हमारे पास 3। तो ये हमें कैसे पता चला? सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट करके यानी घटाकर। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल है, जैसे कि लेट अस ड्रॉ लाइंस टू सी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए, मान लीजिए हमारे पास पिक्चर्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप क्या कर सकते हैं इसमें, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। 5 वर्ड्स से 5 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स को शो कर रही है 5 लाइंस, और उसके अंदर से जो है कितने चले गए थे, 2 चले गए थे। तो हमने क्या करा, दो लाइंस को कट कर दिया, यानी कि 2 को काट दिया। इससे पता चल रहा है कि जो 2 वर्ड्स से वो उड़ गए। अब हमारे पास कितने बचे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 में से हमने 2 को कट कर दिया, हमारे पास बचते हैं 1 2 3। तो ये बचे हैं हमारे पास हाउ मेनी लेफ्ट, यानी कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। अब इसका एक और तरीका है, वो है 2 taken away from 5 leaves 3। अभी कह रहे हैं कि अगर हम 2 को 5 में से निकाल लें, 2 taken away from 5, यानी 2 को 5 में से निकाल लें, तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। और 5 minus 2 equals 3, और अगर हम 5 से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 3 बचते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं और इस तरीके से, 2 में से 5 को निकालो जब भी 3 बचेंगे, 5 में से 2 को निकालो जब भी 3 बचेंगे। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है वी राइट दिस इज, यस क्लास, सो वी राइट दिस इज, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 minus 2, ये जो बीच में लिखा हुआ है माइनस, ये माइनस था, इसका साइन होता है इस तरीके से। लास्ट क्लास में हमने ऐड करा था, उसका साइन मतलब प्लस जो करा था उसका साइन इस तरीके से होता है, और माइनस का इस तरीके से होता है, ठीक है, सिंगल डैश टाइप होता है। तो 5 minus 2 is equal to, कहते हैं बराबर को, ठीक है। 5 minus 2 यानी कि 5 में से अगर हम 2 को घटा दें, 2 को माइनस कर दें, तो वो बराबर हो जाता है 3 के। किसके बराबर हो जाता है, 3 के। अभी लिखा हुआ है कि ये जो डैश है, डैश यानी कि जो माइनस का साइन है, इसकी मीन्स होती है सब्ट्रैक्ट, यानी इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी घटाना, ठीक। तो इन्होंने यहाँ पर ये डैश बना दिया और इसका मतलब होता है घटाना। अब यहाँ पर नीचे इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, जिनमें से 2 तो इन्होंने कर दिए हैं, बाकी 2 आपको करने हैं। काउंट एंड राइट, आपको गिनना है और लिखना है। यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर बने हैं 5 शीप्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से 2 को हटा दिया, ये जो रिबन सा बना हुआ है इनके ऊपर, इसका मतलब है कि 2 यहाँ से चले गए। तो हमने 5 शीप्स में से इन 2 को माइनस कर दिया, दिख रहा है आपको 5 minus 2, और अब हमारे पास कितने बचे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बचे। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 बटरफ्लाइज हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उनमें से जो 4 हैं वो चली गई, आप देख रहे हैं ये रिबिन में जी। तो अब ये हमारे पास कितनी बची हैं, नाउ 1 2 3 4 आर लेफ्ट, ठीक है, हमारे पास 4 बची, 4 चली गई, 4 बची हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 10 टर्टल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ठीक है, उसमें से 6 जो हैं वो चले गए, 6 यहाँ पर रिबिन में। अब हमारे पास कितने बचते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बॉक्स में 4 लिख देना है।
नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 रैबिट्स हैं हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, उनमें से एक चला गया, रिबिन में देख सकते हैं आप एक गया हुआ है। अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आर लेफ्ट। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, ठीक। आपका ये वाला पेज हो गया सब्ट्रैक्शन का, पेज नंबर 42। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। अब नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पर इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, मतलब उसमें भी सब्ट्रैक्शन ही है लेकिन उसका ज़्यादा सा तरीका अलग है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक सर्कल के अंदर कुछ वर्ड्स बनाए और दूसरे सर्कल के अंदर भी कुछ वर्ड्स बनाए। काउंट करते हैं फर्स्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट वाले में कितने हैं, 5 है यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और सेकंड वाले में 1 2 3 4, सेकंड वाले में 4 है यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या करा है, उसको उससे मैच करा है, जैसे कि एक वन को वन से, यानी कि ये वाला वर्ड इससे चला गया, ये वाला वर्ड इससे कट हो गया, ये वाला वर्ड इससे कट हो गया, ये वाला इससे, लेकिन अभी हमारे पास एक रह गया, यानी इसका कोई साथी नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा है। यानी अगर हम 5 में से इन 4 को निकाल दें तो हमारे पास कितना बचता है, 1 बचता है, ठीक है। तो इन्होंने इसको हल्का सा कट कर दिया, यानी मैच कर दिया, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, सबके सब साथी हैं, लेकिन ये जो है अकेला, यानी अकेला बचा, इसका कोई साथी नहीं है, तो यहाँ पर ये एक बचता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा 8, यहाँ पर देखिए एक सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैंड्स हैं, और दूसरे सर्कल में 1 2 3 4, 4 हैंड्स हैं। अगर हम इसको मैच करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग की 4 तो आ गए, लेकिन 1 2 3 4, ये जो 4 है ये हमारे फ्री रह गए, यानी इनका कोई साथी नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। 4 के तो पेयर्स बन गए लेकिन 4 के पेयर्स नहीं बन पाए। अब ये सब्ट्रैक्ट डाउन, यानी हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है वो नीचे की तरफ से करना है। यस, तो अभी तक हमने जो करा था वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में हमने सेपरेट करा था, लेकिन अब जो सेपरेट करेंगे डाउन फॉर्म में, यानी कि जो बड़ी डिजिट है, यानी जिसमें से हमें माइनस करना है उस डिजिट को हम लिखेंगे ऊपर, और जिसको माइनस करना है उसको हम लिखेंगे नीचे, और ऑब्वियसली बात है फिर बचता है उसका आंसर, तो हम उसे लिखेंगे यहाँ लास्ट में। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया इसलिए आंसर लिख दिया, लेकिन नॉर्मली आंसर आपको निकालना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है 8 माइनस 2, तो 8 के अंदर से अगर 2 चलेंगे, देखिए यहाँ पर बॉल्स बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉल्स हैं, उनमें से 2 कट हुई है, पता नहीं आपको ये क्लियर होगा या नहीं, मैं डार्क कर देती हूँ इसको। यस, दीज टू आर कट, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये कट हुई हैं। अब काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास कितने बचते हैं, 6, 6 आर लेफ्ट। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, 8 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। अब यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने एक्सरसाइज दे रखी है, आप क्या करिएगा, अगर आपको ऐसे ही आता है कि 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड यही वाला होता है आपका। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद आपको माइनस करना है 4, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, आप क्या करेंगे 4 लाइंस को कट कर देंगे, फिर आपको काउंट करनी है बची कितनी है जो कट नहीं हुई, तो 1 2 3, देर आर 3 लाइन्स, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 3 लिख देंगे, यानी कि 7 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है 3। इसी तरीके से आप इसमें 9 लाइन्स ड्रॉ करेंगे और 5 को माइनस कर देंगे। ये छोटी थी, मैं आप थोड़ी बड़ी बड़ी लाइन्स ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 लाइन्स, इसमें से आपको माइनस करनी है 5, 1 2 3, तो ये गई 4 5, ये पूरी 5 लाइन्स कट हो गई। काउंट करते हैं 1 यहाँ पर बची है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 आर लेफ्ट, ठीक है। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा। इसी तरीके से आप आगे इनको सॉल्व करेंगे। आप अपनी सहूलत के लिए लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स भी बना सकते हैं, बस ऐसे बनाएगा जो यहाँ पर आ जाए, मतलब गंदा ना लगे, ठीक है। तो बॉल्स भी इस तरीके से सर्कल्स बनाएंगे तो वो तो शायद गंदा लगेगा, तो आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का करना है, 4 माइनस 2, 10 माइनस 3, 7 माइनस 3 एंड 9 माइनस 4। आपको ये माइनस के सम्स कहलाएंगे, सम्स कहते हैं सवालों को, तो माइनस के सम्स आपको ये बुक में ही करने हैं, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। यस, तो नेक्स्ट पेज पर है आपका रिवीजन, ठीक है। रिवीजन में क्या है, ऐड और सबट्रैक्ट, यानी आपको इसमें या तो ऐड करना है, जोड़ना है, फिर सबट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है, यानी घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ सम्स दिए हैं, लेकिन हम आप इसको पहचानेंगे किसी की, कहाँ पर आपको ऐड करना है, कहाँ पर सेपरेट करना है, तो आप इसको पहचानेंगे इसके साइन से। मैंने आपको बताया था जहाँ पर आपको ऐड करना होगा, यानी प्लस करना होगा, तो उसका साइन ये वाला होगा आपका, ठीक है। यस, ये प्लस का साइन होगा। तो जहाँ पर आपको सेपरेट यानी माइनस करना होगा, उसका साइन आपका सिंपल सिंगल डैश होगा, ठीक है। अब आप पहली वाली लाइन में देख सकते हैं 6 प्लस 0,
यहाँ पर आपको सिक्स में जो है प्लस का साइन है, यानी जोड़ेंगे आप तो ये सिक्स में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो हमारा सिक्स ही आंसर रहेगा। एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है 10 माइनस 0, यानी कि अगर हम 10 में से यहाँ माइनस कर रहे हैं यानी घटा रहे हैं, जीरो को घटाएंगे जब भी 10 रहेगा। अगर हम किसी नंबर में जीरो को जोड़ते हैं तो नंबर जब भी सेम रहता है, और अगर किसी नंबर में से जीरो को माइनस करते हैं नंबर जब भी सेम रहता है। नेक्स्ट है आपका 9 माइनस 2, तो 9 में से आपको 2 को माइनस करना है, ठीक है। 9 में से 2 कैसे माइनस करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन अदरवाइज आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है 9 माइनस 2, तो 9 आपकी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक 9 होगी, आपको 2 माइनस करना है तो आपने यहाँ पे 1 2 इन दोनों को माइनस कर दिया। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास बचता है 7, ठीक। इसके बाद है 5 प्लस 5, यानी कि 5 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर रहेगा। आप इसके लिए काउंट कर सकते हैं कि आपके एक हैंड में भी जो है आपके 5 फिंगर्स होती हैं और दूसरे हैंड में भी आपके 5 फिंगर्स होते हैं। आप क्या करेंगे उन दोनों हैंड से फिंगर्स को काउंट कर सकते हैं, और आपको ये भी मालूम है कि आपके दोनों हैंड्स में टोटल फिंगर्स कितनी होती हैं। तो टोटल फिंगर्स होती हैं आपकी 10, यानी कि अगर हम 5 में 5 को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आपका आंसर रहेगा 10। इसी तरीके से 6 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे फिर क्या आंसर रहेगा, 10 में से 6 को माइनस करेंगे क्या आंसर रहेगा, ये सब आपको खुद करना है, चाहे लाइन ड्रॉ करके करिए चाहे फिंगर्स पे काउंट करके करिए, ठीक। बुक वर्क है, बुक में करना है आपके वाला काम। यस क्लास, तो आपका ये नेक्स्ट है, यानी कि 0 में इन्होंने यहाँ पर 6 को ऐड करा है, यानी जोड़ा है। यहाँ पर साइन देखेंगे आप, 0 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे, मैंने ये आपकी हिंट के लिए यहाँ पर लिख दिया, ऑलरेडी 6 ही रहेगा हमारा आंसर। तो आपको क्या करना है, 0 में जब 6 को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर 6 लिख देंगे। इसी तरीके से जब हम 10 में से 9 को माइनस करेंगे, 10 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, अब आगे का आप जो है खुद करिएगा, मैं फिर भी आपको एक हिंट दे देती हूँ। 9 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो वही रहता है। इसी तरीके से अगर हम 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो वही रहेगा, यानी कि 9 ही आ जाएगा। यहाँ पर 7 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे, मान लीजिए आपके पास 7 रुपीज थे और आपने 7 के 7 की चीज़ खा ली, तो आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए हम लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे, 0। ऐसे यहाँ पर आपको ऐड करना है, सेपरेट ऐड और ऐड, ठीक है। आप ये वाला काम कर लेंगे पेज नंबर 44 का बुक में। उसके बाद लिखा हुआ है रिमेम्बर व्हेन वी ऐड 0 टू अ नंबर, यानी कि जब हम जोड़ते हैं 0 को किसी नंबर में, द नंबर स्टेज द सेम, जो नंबर है वो वही रहता है, सेम यानी कि सेम रहता है, वही रहता है। एंड व्हेन वी सबट्रैक्ट 0, और अगर हम घटाते हैं 0 को फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर में से, द नंबर स्टेज द सेम, जो नंबर है वो जब भी सेम रहता है, ठीक है। यही वाली बात है कि अगर हम 0 को किसी नंबर में जोड़ें या 0 को किसी नंबर में से माइनस करें, जो नंबर होगा हमारा मेन वही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है इन्होंने 0 से मुताल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है आपका। यस, पेज नंबर 45 पर आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, एक नॉर्मल सी लाइन होती है जिसको, ये सीधी लाइन दिख रही है आपको, यस, ये स्टार्ट हुई है आपकी 0 से, ठीक है। इसे काउंट करते हैं हम, काउंटिंग इसके अंदर 10 तक लिखी हुई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और जो इनके दरमियान का गैप है वो बिल्कुल सेम सेम है। अब ये लिखा हुआ है, इसे नंबर लाइन कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये तो लाइन है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर नंबर्स लिख दूंगी 1 2 3, ठीक है, तो ये नंबर लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लाइन इज कॉल्ड द नंबर लाइन, ये लाइन जो है वो कहलाती है नंबर लाइन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या रेखा। वी कैन काउंट एंड डू सम्स विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, हम जो है इसमें गिन सकते हैं और सम्स को किसकी हेल्प से, ये जो लाइन है इसकी हेल्प से हम इसके अंदर नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और जो सवाल है वो कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अभी लिखा हुआ है इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एड 2 एंड 4 विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन, यानी आपको 2 और 4 को जोड़ना है नंबर लाइन की हेल्प से। कैसे जोड़ेंगे, इन्होंने हिंट के लिए यहाँ पर एक रैबिट बना दिया, बनी रैबिट दिख रहा है आपको, यस। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिया है 2, तो ये रहा हमारा रैबिट, 0 पर था, ये कहाँ पर था, 0 पर। हमेशा ये स्टार्ट होगा 0 से, जब भी हम किसी भी नंबर को किसी नंबर में माइनस या प्लस करेंगे। फर्स्ट है हमारा 2, तो हम यहाँ से सीधे जाएंगे 2 पर, ये 1 है ये 2, तो ये देखिए यहाँ से जंप कर आ गया 2 पर, ठीक है, ये रहा 2। अब उसके अंदर हमें कितना जोड़ना है, 4, तो अब इस बार जंप करेगा ये 4 नंबर्स आगे तक, तो 4 ये वाला 4 नहीं लेंगे, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो अब जो ये जंप कर 4 नंबर्स आगे आकर इसने जंप कर रहा है, तो वो आ गया ये 6 पर, कहाँ आ गया ये 6 पर।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 6। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम 0 to 2, यानी कि एक 0 से लेकर 2 तक की लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद नाउ काउंट 4 स्टेप्स फ्रॉम 2। अब आपको 4 स्टेप्स काउंट करने 2 से, यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, आप 2 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, सो वी सी दैट, तो हम देखते हैं ये क्या देखते हैं कि अगर हम 2 के अंदर 4 को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 6। सेम है, यस दिस इज सेम। ठीक है, अब है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। इन्होंने एग्जांपल दिया था एडिशन का, यानी जोड़ने वाला, अब ये एग्जाम्पल दे रहा है माइनस करने वाला। अब इन्होंने कहा है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2 को फ्रॉम 5 विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। अब आपको जब सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आपको बड़ा नंबर देखना होगा, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अब जो बनी रैबिट है वो डायरेक्ट 5 पर जाएगा, तो ये 0 था, 1 2 3 4 5, तो ये आगे ऐसे जंप कर सीधा 5 पर। ठीक है, दिख रहा है आपको 5, यस। और हमें 5 से घटाना किसको है, 2 को घटाना है, तो हम यहाँ से 2 स्टेप पीछे जाएंगे, 1 2, तो ये बनी रैबिट अब यहाँ से टर्न करके आ गया 2 स्टेप पीछे, और ये कौन सा नंबर है, ये है हमारा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे, यानी 2 स्टेप्स निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब इन्होंने इसके लिए लिखा है ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम 0 to 5। अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 0 से 5 तक की, ये रही। ठीक है, मूव बैक 2 स्टेप्स, यानी आपको बैक वापस आना है 2 स्टेप्स, 1 2 2 स्टेप, ये रहे। वी सी दैट, फिर हम क्या देखते हैं, 5 माइनस 2, कि अगर हम 5 में से 2 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3। ठीक है, सेम है ही बिल्कुल, यस। अब नेक्स्ट आपका, नाउ डू दीज सम्स ऑन द नंबर लाइन। अब ये कह रहे हैं कि आपको ये वाले सम्स करने हैं, ये सम्स, एक सम ये रहा और एक सम ये रहा। ठीक है, तो आपको ये नंबर लाइन के थ्रू करना है और यहाँ पर आंसर भी लिखना है। ये मैं आपको करवा देती हूँ, आप अपनी बुक में करिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 प्लस 3, यानी कि हम 7 के अंदर 3 को ऐड करते हैं। स्टार्ट करें यहाँ से, तो ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा हमारा मेन नंबर 7। तो जो बनी रैबिट है, ये जो आप है, यहाँ पर आप जंप करेंगे डायरेक्ट 7 पर। ठीक, 7 में अब हमें क्या ऐड करना है, 3, तो हम 3 यहाँ से काउंट नहीं करेंगे 0 से, हम 7 से आगे से काउंट करेंगे, तो 1 2 3, फिर हम यहाँ से 3 स्टेप और आगे आ जाते हैं, तो हम आ गए 10 पर। किस पर आ गए हम, 10 पर, यानी कि अगर हम 7 में 3 स्टेप्स और जोड़ दें, यानी 3 नंबर और जोड़ दें, तो हमारे पास आंसर आता है 10। नेक्स्ट है आपका 9 माइनस 3। ठीक है, अब आपको 0 से पहले बड़ा वाला नंबर देखने के लिए कहा था मैंने, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जंप करेंगे 9 पर। ठीक, ये आ गया आपका 9। अब आपको वापस जाना है 3 स्टेप्स पीछे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, यहाँ जोड़ लेते आगे बढ़ गए थे, यहाँ माइनस करना है, वापस आ जाएंगे, 1 2 3। आप यहाँ से जब वापस आते हैं तो आप आ जाते हैं 6 पर। किस पर आ जाते हैं आप, 6 पर, क्योंकि 1 2 3 3 स्टेप्स पीछे ना से 6 आता है। तो अब आप क्या करेंगे, ये 6 आपका आंसर, आप 6 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, तो यानी कि 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 एंड 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये आपका पेज नंबर 45 कम्प्लीट हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन वाला जो चैप्टर है वो पेज नंबर 45 पे फिनिश होता है। आपका बुक वर्क यही है जो मैंने बुक में आज आपको एक्सप्लेन करा है, और जो आपका कॉपी वर्क है उसके अंदर मैं आपको कुछ सम्स दूंगी एडिशन के और कुछ दूंगी सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपके कौन कौन से सम्स हैं, आपको कॉपी में करने हैं। ठीक, ओके क्लास, सो दिस इज योर कॉपी वर्क, एड और सब्ट्रैक्ट, जैसे आपने बुक में करा था, बुक में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में था, यहाँ पर मैं डाउन फॉर्म में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी जोड़ना है और घटाना है। यहाँ पर मैंने आपको ये तकरीबन 12 सम्स दिए हैं, इसके अंदर प्लस की भी माइनस की भी, आप कैसे पहचानेंगे इसके साइन से, देखिए ये जो यहाँ पर है ये आपका प्लस का है, इसके बाद माइनस का है, और ये नेक्स्ट वाला प्लस है और ये वाला माइनस का है, तो आप साइन के हिसाब से करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला माइनस का है, तो आप 4 में से 1 को माइनस कर कर यहाँ पर आंसर लिख देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे फिंगर्स को काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1 में 3 को प्लस करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद 9 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 में 6 को प्लस करेंगे। ऐसे आपको ये 12 सम्स अपनी कॉपी में करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपकी ये क्लास जो है सब्ट्रैक्शन वाला चैप्टर फिनिश होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।